व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जगेड जेड किंग। सो जैसे कि आपने आज का थंबनेल पढ़ लिया, फाइनली आई मेड अ मॉडल मैंशन इन माइनक्राफ्ट। और ये मैंने थोड़ा सा हवा में बना दिया था, तो बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं सर्वाइवल में हूँगा तो लैडर चढ़ के जाना पड़ेगा। पहले मैं स्टेयर्स का सिस्टम करने लगा तो वो बहुत ज़्यादा ही स्टेयर्स हो जाती और मुझे बहुत बार और भी कुछ करना पड़ता, मतलब जैसे माइनिंग वगैरह। तो ये मॉडर्न है, मॉडर्न के साथ साथ ये रेडस्टोन मॉडर्न वाला है। और ये बटन का तो अभी मुझे भी नहीं कुछ पता क्या है, मैंने गलती से, मतलब भाई ये, हाँ भाई ये डिज़ाइन ही हैं ये बटन्स। ये देखिए, इस बटन को दबाते ही भाई ये बंद हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। और इसे दोबारा दबाने से भाई सब ये देखिए फाउंटेन शुरू। और मैं अभी उड़ने लग गया। और ये डिस्पेंसर है, मुझे पहले लगा ड्रॉपर है भाई। तो पहले मैं आपको साइड से करा देता हूँ। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ भाई, ये क्या देखिए, ठीक है भाई। हाँ ये देख लो, मेन आरपी हाउस स्मार्ट रेडस्टोन हाउस, ठीक है भाई। और यहाँ पे आप मोबाइल को कान के बहुत पास लगाना क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत कम है। ये बेल है एक तरह की, इसे मैंने मॉड के ज़रिए लगाया क्योंकि भाई हम माइनक्राफ्ट में बेल बना ही नहीं सकते, इसीलिए। ठीक है भाई, आपको आई ना, अगर आपने कान के पास लगाया तो ठीक है ये। और आपको अपनी वॉल्यूम भी ऊँची करनी होगी, मतलब कई फ़ोन की वॉल्यूम पहले ही कम आती है फुल पे, तो उसके लिए आप कान के लगा, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत सुन जाएगा। और ये मेरा साथ में ही नेदर पोर्टल है, ठीक है भाई। ये देखिए, फिलहाल मैं पॉकेट एडिशन में खेल रहा हूँ ना, फिर जावा एडिशन में। और आई थिंक मैंने गलत अपडेट लगा लिया है क्योंकि मेरी माइनक्राफ्ट बेडरॉक हो गई है और अब वो अपडेट कुछ नहीं हो सकता। पर वैसे कोई बात नहीं, इतना सो चलता है, बेडरॉक में इतना कुछ नहीं होता, सारे फीचर सेम ही होते, बस नाम का ही अलग बेडरॉक है। या फिर अगर आपको कोई उसका अलग फीचर पता है तो बता दीजिए। और भाई मेरी गेम की लैग हो रही है। ये देखिए, ये है हमारा पूल, यहाँ पे शुगर केन में हमारे मतलब फार्म कहने लग गया था ऑटोमेटिक वाला। ये पूल की लाइट्स इस बटन को दबाती है भाई, ये देखना वो अपने आप लाइट्स चल रही हैं। ये बटन डीएक्टिवेट भी हो गया और भाई दोबारा दब जा। और ये देखिए, अब सारी बंद हो जाएंगी। और ये जो देख रहे हैं ना पूल वाटरफॉल, ये देखिए वो डिस्पेंसर में है। इस बटन को दबाया भाई, पानी निकल गया। दोबारा दबाया, पानी चला गया। और ये है हमारी लैडर ऊपर जाने के लिए और यहाँ से डाइव मारने के लिए। और अब मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है आप कैसे स्विमिंग कर सकते हैं माइनक्राफ्ट में, आपको मैं थर्ड पर्सन व्यू से भी दिखा देता हूँ स्विमिंग। और मैं पानी के नीचे आ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं क्रिएटिव में घर रहा हूँ तभी तो वीडियो में जाना है, थर्ड पर्सन बैक से लगाना है। ये देखिए भाई, ठीक अब हम करने हैं स्विमिंग, उड़ जाते हैं अब भाई। स्विमिंग करने के लिए जो फ्रंट वाला बटन है ना, इसे आप दो बार दबाइए और आप वो करने लगेंगे स्विम पानी में, ठीक है। और अगर आपको स्नीक मोड लगाना है तो ये जो ये चार बटन में जो बीच वाला बटन है इसे दबाइए। ये देखिए, आपकी शील्ड अपने आप एक्टिवेट होएगी। ये देखिए शील्ड है, अभी ऐसे किया ये खड़ा होगा बंदा, ठीक है भाई। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इसी में, मतलब अगर मुझे याद रहा, मतलब कई बार मुझे याद नहीं रहता तो उसकी आप नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑटोमेटिक फार्म बनाऊँ शुगर केन का पहले, फिर मैं वीट फार्म भी बनाऊँगा ऑटोमेटिक। और ये हमारा डोर है, मतलब डोर मॉडर्न नहीं है, डोर तो ऐसी ही है, बस इस बटन को दबाती भाई लाइट बंद, इस बटन को दबाती दोबारा लाइट बंद। और ये हमारा टीवी टाइप सिस्टम है, यहाँ पर मैंने मॉड नहीं लगाया, ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने मोड नहीं लगाए। और ये अगर हमने मतलब कई बार बाहर सोना तो सो सकते हैं। और ये स्लैब्स हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे जाती
हमारे ये ब्रेन स्टैंड वगैरह, खाना वगैरह, ये हमारा शेंक, और ये देखिए इतना सारा फर्नेस। और इस बटन को दबाती भाई यहाँ से खाना निकलेगा, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं है। और ये हमारी पीछे की एंट्रेंस भाई पूल के सामने। टाइम पहले डे कर देते हैं, चल भाई ठीक है भाई, ठीक है। तो अभी अगर हम ऐसे जाते हैं तो हमें मिलता है हमारा, ये देखिए अभी लाइट ऑन है। इस लीवर को ऐसे करते ही लाइट बंद, इस लीवर को दोबारा खींचते ही लाइट ऑन। और अगर हमने कभी टब में नहाना तो इस बटन को दबाओ और पानी आ गया। और अगर इसे दोबारा भेजना वापस तो चला गया। और ये हमारे शैंक हैं, ठीक है भाई। आप कुछ ऐसा करके सिस्टम ऐसे ऐसे कर सकते हो, मतलब आप जब आप चलोगे ना, अगर ऐसा हो बीच में दीवार हो यार, ऐसे आपको जाना हो तो ऐसे कर लेना, ठीक है। ये जो साथ में ये एरोज आते हैं ना, थोड़ा सा उधर थोड़ा सा उधर उसके। और ये हैंड वॉश करने के लिए ये खींचे जा। और ये हमारा शावर, ठीक है भाई। और अगर ऐसे हम कर देंगे फिर दोबारा इस बटन को दबाओ, शावर बंद। हम घर की लाइट ऑन रहने देते हैं क्योंकि पता नहीं कब कब मॉब स्पॉन हो जाए। वैसे मैं क्रिएटिव में, इसलिए वो कुछ नहीं कहेंगे। और इस बटन को दबाती भाई यहाँ अंधेरा, दोबारा दबाती यहाँ उजाला। और इस बटन को दबाते भाई, ठीक है, ये लाइट बंद। और दोबारा इस बटन को दबाती लाइट चालू, और यहाँ की भी लाइट चालू। और यहाँ से डायरेक्ट वाटरफॉल भी आ जाती है, ठीक है। और ये बस वैसी है, इसमें कोई सामान अगर थ्रो करके रखना है वो कर सकते हैं। और यहाँ मैंने क्वार्ट्ज ब्लॉक ले लेता हूँ एक बार, क्वार्ट्ज मतलब स्मूथ नहीं है वो, ठीक है, मैंने स्मूथ ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज से नहीं बनाया। ये हॉपर, हॉपर से ये कनेक्टेड है, एक और हॉपर नहीं भाई ड्रॉप पर। चलो हम ग्रास ब्लॉक लगा दो, क्विक तो हुआ, कौन सा किसी ने देखना है भाई। क्वार्ट्ज ब्लॉक देखे भाई, ये देखो और भाई वो आपको दीवार में से जो लग रहे ना, वो हमारा वो नेदर पोर्टल है। आई थिंक अब सारा चला गया होगा, तभी आवाज नहीं आ रही, बाकी पास जाके देख लेते हैं भाई। अभी भी आ रही है क्योंकि हमने 64 चुरा लिया भाई। और ये मैंने लिखा डू नॉट एंटर अनलेस यू आर द ओनर, यू हियर मी, मतलब अगर मैं मल्टीप्लेयर में खेला हूँ उन्हें डराने के लिए, मतलब वो डरेंगे तो नहीं मुझे पता है कोई भी। इस लीवर को खींचते ही भाई यहाँ की लाइट्स बंद, और जगह। और ये रैंडम आर्मर है, ये देखिए किसी को भी कोई भी आ सकता है, कुछ नहीं पता भाई किसको क्या है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मुझे फुल्ला का मुझे फुल चेन हेलमेट चेन आर्मर आएगा। और ये सारा लेदर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ स्टोर करना है मुझे, और ये मेरा कॉल्ड्रन, इसमें जो कुछ भी करना है भाई, ठीक है। ये कारपेट बिछाया मैंने ताकि थोड़ा सा डिजाइन आ जाए भाई। और इस बटन को दबाते ये लाइट्स बंद हो जाएंगी, इस बटन को दोबारा दबाते ये लाइट्स चल भी नहीं हुई हो गई। और यहाँ पे मैंने टॉर्च इसलिए लगाया क्योंकि भाई अभी भी थोड़ा बहुत अंधेरा रहता है, और यहाँ से भाई नज़ारा अच्छा था, तो कई बार मैं यहीं सो जाता हूँ। बस ये गेस्ट रूम है, लिविंग रूम में अगर किसी ने सोना है सो सकता है। और ये है भाई हमारा कमरा, इस बटन को दबाते भाई लाइट बंद, इस बटन को दोबारा दबाते लाइट्स चालू। और भाई ये देखिए ये हमारे बेड है, और ये देखिए प्लीज़ नो यूटिलिटी ने लगाया इस चेस्ट में। इस चेस्ट के अंदर है हमारा एक्सबॉक्स कंट्रोलर, एक तो एक टीवी रिमोट, एक मजेंटा शल्कर बॉक्स, ठीक है भाई। और
गाइस ये हमारी एनविल, हमारा टेबल इस चेस्ट के अंदर है, कुछ भी नहीं इसमें भी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी हमने काम वगैरह करना है ठीक है भाई। इस लीवर को खींचते ये लाइट बंद हो जाएगी, और ये क्लॉक, क्लॉक मतलब ठीक है भाई। और यहाँ पे ये हमारा वॉशरूम, इस लीवर को खींचा, लाइट क्यों नहीं हुई चालू भाई, हाँ भाई चालू है, यहाँ पे लाइट कम हो जाती है तो थोड़ी सी ये लगा लो मतलब टॉर्च, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते मॉब स्पॉन होए भाई में हमारे घर में, कि भाई अगर मॉब स्पॉन हो गए ना और गलती से अगर मैं सर्वाइवल में हुआ तब बड़ा पंगा आया ना। और यहाँ ये हमारा मेन शावर ठीक है, और यहाँ पे बंद ठीक है भाई। अब चलो भाई इसकी लाइट ऑन ही रहने दो ठीक है भाई। और ये हमारा रूम टीवी, रूम के अंदर का टीवी, और यहाँ पे हम आराम से सोएंगे, और इस लीवर को खींचते ये लाइट बंद चालू, और इस लीवर को खींचते ये लाइट बंद, ये लाइट चालू। तो ये है फंडा, बेड भाई फ्लफी होते तो इस पे ऐसी जंप हो सकती है। और अगर आपको ट्रैम्पलिन बनाना है इसका सिंपल है, आप बस स्लाइम ब्लॉक ले लो, और अगर आप उस पे जंप मारोगे आप ऑटोमेटिक जंप मारोगे, स्लाइम है भाई वो ठीक है। और ये दो ब्लॉक ऊंचा है, ऐसे कोई नहीं चढ़ सकता, और ये रेल भी चाहिए मैंने, ये मैंने फैंस के ज़रिए बनाया सारा टेबल। और फिर ये देख सकते हैं हमारा ट्रैश बिन सब खाली हो गया, सारा ड्रॉपर में गया भाई ठीक है। तो जल्दी चल 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 भाई साहब, चल 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 तू नीचे चल ठीक है भाई। मैंने आपको ये दो बटन्स भी दबा के दिखा दिए थे, इस बटन को तो मैंने दिखा ही दिया था, हाँ भाई। सो आज की वीडियो में इतना ही, होप यू एंजॉयड, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।